एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने से यहां रसोई का बजट बिगड़ रहा है, वहीं आम जनता भी इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि जहां एक तरफ केंद्र सरकार महंगाई कम करने की बात कर रही है, वहीं बड़े दामों के कारण पूरी रसोई का बजट बिगड़ने से महंगाई और बढ़ने के साथ नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर महिलाओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले को गलत ठहराया है। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए एलपीजी गैस के दामों को बढ़ाना नहीं बल्कि घटाना चाहिए था, इससे रसोई का बजट बिगड़ेगा। यही नहीं, कमर्शियल सिलेंडर के दाम भी बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी। पार्टी तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रेखा मनी शर्मा, मैं आज ये कहना चाहनी हूँ कि जदों मोदी साहब की सरकार आई सी तो उन्होंने कहा कि जनता के बड़े अच्छे दिन आएंगे, पर 10 सालों के अच्छे दिन तो नहीं आए पर लोगों के माड़े दिन आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने गरीब नूं गरीब किया, अमीर नूं अमीर किया है। कोई टाइम सीगा कि सिलेंडर बहुत सस्ता हुंदा सी, ये हर साल सिलेंडर दे रेट बढ़ाते हो, और तुसी आम ग्रहणी नूं पुछ सकते हो कि उन्हां दा बजट किन्ना बिगड़ चुका है, और इन्हां दा काम हो गया कि हर साल सिलेंडर दे रेट बढ़ाने और महंगाई करनी। ये बीजेपी वालों का फंडा हो गया। कोई टाइम सीगा जदों सिलेंडर दे रेट वध सी, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर चारे पासे लैके धरने ते बह जांदी सी। अज मैं पूछना चाहनी हां केंद्र सरकार नूं कि वह स्मृति ईरानी जी कित्थे हैगे आ कि हुण भी सिलेंडर दे रेट वध रहे, हुण क्यों नहीं धरने लगांदी? ते ये बीजेपी सरकार का काम है गया कि हर साल ग्रहणियों नूं तंग करना, रेट वधाने, और सिलेंडर दे रेट अज इन्ने हो चुके हैं कि आम ग्रहणी दे बस तो बाहर हो चुकी है चीज़। तो ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है भाई। सिलेंडर का रेट तो गलत ही है ना बेटा, बहुत ज़्यादा है, ये तो हमारे लोगों के लिए बस की बात नहीं है। गरीब बंदा क्या करे, आम जो मीडियम वर्ग के कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, रसोई घर में भूखे रहेंगे हम सब लोग। हमारा तो सिलेंडर 10 दिन चलता है कि वैसे ही परिवार वाले लोग हैं हम लोग, बच्चों के साथ रहना सब कुछ है, तो मैं 10 दिन एक दिन चलता है, 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलता मेरा सिलेंडर। महीने के 3 सिलेंडर लगते, कहाँ जाएंगे हम लोग, रिटायर बैठे हुए हैं, बच्चों को कोई नौकरी शौकरी या कुछ भी नहीं है, बिजनेस तो आपको पता ही कि ठप हो रहे हैं, महंगाई भी ज़्यादा कर, महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई है, कहाँ जाएंगे? मीडियम वर्ग के लिए तो मुश्किल है, गरीबों को भी कर देते हैं कुछ ना, अमीरों को तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता पैसे वालों को, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। गलत है क्योंकि ये जड़ा गृह स्थिति बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा, क्योंकि अगे ही महंगाई जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अगर सिलेंडर भी वधाता, क्योंकि एक बहुत अहम जरूरत है रसोई की, और ये जोड़ा सा बजट है घर का वह असर पवेगा, तो सारे ही ग्रहणियों ये जड़ा है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि साढ़े जोड़े गैस के रेट ने वो कटाए जा। संदीप ने गुरुकुल एकदम वैसा ही स्कूल जैसा हमें चाहिए था, ऐसा स्कूल जिसने वैदिक भारत की गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर शोध किया और अपने आप को वैसा ही बनाया, एकदम वैसा ही गुरुकुल जैसा वैदिक काल में होता था, जहाँ राजकुमार राजकुमारियाँ व ब्रह्म स्वरूप ईश्वरी शक्तियाँ शिक्षा प्राप्त कर अपने राज्य के उत्कृष्ट सम्राट बनते थे। भारत एक विश्व गुरु था, 530 ईसा पूर्व तक दुनिया की आधी से ज्यादा संपत्ति भारत के पास, और फिर शुरू हुआ भारत पर आक्रमण का सिलसिला, और मेरा भारत लुटता रहा, कभी धन संपदा से तो कभी ज्ञान संपदा से। हमारे गुरुकुल इतने महान थे कि इनमें दुनिया को बदल दे ऐसा ज्ञान दिया जाता था, 18 अलग अलग विषयों में शिक्षा दी जाती थी। 1858 में ब्रिटिश सरकार एक एजुकेशन एक्ट लाई, लॉर्ड मैकॉले ने तब सबसे पहले एक सर्वे करवाया, सर्वे में यह पाया गया कि भारत का लिटरेसी रेट 97% है, यह जानकर उनको बहुत हैरानी हुई और उन्होंने सभी गुरुकुलों में आग लगा दी और सभी गुरुओं को मारा गया, और फिर आगमन हुआ कॉन्वेंट सिस्टम का। आओ भारत को जागृत करें, ऋषि मुनियों के ज्ञान को बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है, एक दूसरे का साथ दे और आधुनिक युग के भारत को विश्व गुरु बनाने वाली गुरुकुल शिक्षा को उजागर करें। बच्चों में कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ ब्रह्मचर्य, मंत्रोच्चारण, निर्भय तथा सत्य जैसे दैवीय गुणों के संगम से प्रत्येक विद्यार्थी को महानता की ओर ले चले।